हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SMD एजुकेशन हब पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे द्रव्य के रासायनिक वर्गीकरण के बारे में। दोस्तों पिछले भाग में हमने बात की थी द्रव्य के भौतिक वर्गीकरण के बारे में, जहाँ द्रव्य के भौतिक वर्गीकरण तक हमने कम्प्लीट किया था। अब उसके नेक्स्ट पार्ट में हम द्रव्य के रासायनिक वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो आप ज़रूर से देख लेना। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण उसके संगठन यानी कि कंपोजिशन पर आधारित है। रासायनिक वर्गीकरण को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, और मिश्रण जिसमें सामान्य मिश्रण और विषमांग मिश्रण सम्मिलित है। पहला है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? वह पदार्थ या द्रव्य शुद्ध पदार्थ कहलाता है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रम द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। किसी भी भौतिक प्रक्रम द्वारा हम उसे दूसरे पदार्थ में चेंज नहीं कर सकते। वो क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। शुद्ध पदार्थों का संगठन निश्चित होता है, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, शर्करा, ग्लूकोज आदि शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। सोना Au परमाणु से ही मिलकर बना होता है, चांदी Ag, लोहा Fe। शर्करा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के एक निश्चित अनुपात से मिलकर बनी होती है, लेकिन हम उन्हें किसी भी भौतिक प्रक्रम द्वारा या भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते। इसलिए शर्करा भी एक शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आती है। शुद्ध पदार्थों को फिर से हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है तत्व, एलिमेंट्स। पहला क्या है? तत्व या एलिमेंट्स, इनके बारे में बातें करेंगे कि एक ही प्रकार के कणों से बने द्रव्य जिन्हें किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम द्वारा तोड़ा नहीं जा सके तत्व कहलाते हैं। किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम द्वारा किसी पदार्थ को हम तोड़ नहीं पाते तो वो क्या होते हैं? तत्व होते हैं। तत्व के अवयवी कण परमाणु अथवा अणु हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में दो दो परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, और गंधक में 8 परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। मतलब सीधी सी बात यह है कि सिंगल परमाणु होना ही तत्व नहीं है, डबल परमाणु हो सकते हैं, 3 परमाणु 4 परमाणु मिलकर अणु बना के ही एक समूह में अणु बना के रहते हैं, अणु के रूप में पाए जाते हैं, हम उन्हें भी तत्व कह सकते हैं। इनके एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, गंधक आदि। इम्पोर्टेंट नोट आ रहा है यहाँ से, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो हम बताएंगे कि पहले नंबर पर आता है ऑक्सीजन, दूसरे पर सिलिकॉन, तीसरे पर एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 46.6%। सिलिकॉन की मात्रा है 27.7%, और एल्यूमिनियम की मात्रा है 8.3%। तत्व तीन प्रकार के होते हैं, मेटल्स यानी कि धातु, अधातु और उपधातु। पहले बात करते हैं धातुओं के बारे में। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर आसानी से धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं धातु कहलाते हैं। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। धातु विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, क्योंकि धातु एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। जब ये परमाणु से बाहर निकल जाता है तो उसमें क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज। उसमें क्या होता है? चार्ज आ जाता है, कि वो उदासीन नहीं होता, कि उसमें चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसके कारण उसमें विद्युत और ऊष्मा का चलन हो जाता है। सबसे ज़्यादा सुचालक मतलब कि विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन सी है? Ag या चांदी, और सबसे कम Pb लेड या सीसा सबसे कम चालक है। धातु में धात्विक चमक पाई जाती है। धातुएं सामान्यतः ठोस एवं कठोर होती है, परंतु पारा या मरकरी धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी कि पारा एकमात्र ऐसी धातु है, Hg एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी धातुएं ठोस
एवं कठोर होती है। आगे बात करते हैं हम कि धातुओं का गलनांक एवं कंपनांक उच्च होता है किनके कारण, कि धातु के अंदर जो अंतरणविक बल है, अवयविक कणों के मध्य अंतरणविक बल है वो बहुत ही प्रबल यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाया जाता है, जिसके कारण इनके कंपनांक और गलनांक उच्च होते हैं। धातु में आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात हम इन्हें पीठ के चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और धातुओं को खींच के हम तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये इनके आघात वर्धनीयता और तन्यता के गुण को दर्शाते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, यह इम्पोर्टेंट नोट है, याद रखना कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातुओं के अम्लीय या उदासीन होते हैं, लेकिन धातुओं के क्या होते हैं ऑक्साइड क्या होते हैं क्षारीय। इनके उदाहरण है चांदी, सोना, लोहा, एल्यूमिनियम और जिंक। आगे हम बात करते हैं अधातुएं नॉन मेटल्स के बारे में, वे तत्व जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है अधातु कहलाते हैं। अधातुएं सामान्यतः ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार की अवस्थाओं में पाई जाती है। अधातुएं सामान्यतः विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है। यहाँ पे मैंने सामान्यतः क्यों यूज किया, क्योंकि सभी अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक नहीं होती, ग्रेफाइट इनमें अपवाद है, जो अधातु होते हुए भी विद्युत और ऊष्मा का चालन दर्शाती है। अधातुएं आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण भी नहीं रखती, मतलब कि इन्हें हम पीठ के चादर के रूप में और खींच के तार के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। इनके ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय या उदासीन होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्या थे क्षारीय और अधातुओं के ऑक्साइड क्या हैं अम्लीय या उदासीन। इनके उदाहरण गंधक, फॉस्फोरस, ये किस फॉर्म में ठोस फॉर्म में, हमने बात की थी कि अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि गंधक और फॉस्फोरस किस में हो गए ठोस में, ब्रोमीन द्रव का एग्जांपल हो गया, और गैस के लिए क्या क्या हो गए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या हो गए गैस, मतलब कि अधातुएं तीनों फॉर्म में पाई जाती है ठोस, द्रव और गैस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपधातुएं मेटलॉइड्स के बारे में, वे तत्व है जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं, अर्थात कुछ गुण धातुओं के और कुछ गुण अधातुओं के हो, वे तत्व क्या होते हैं उपधातु। इनके उदाहरण है आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ आदि। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों अगर इस वीडियो में कुछ कमी है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इसमें कुछ सुधार अवश्य लाएंगे और इसके आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। थैंक यू सो मच।